हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनोज कुमार है और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मोबाइल DVR के कन्फिगर कैसे करते हैं। ठीक है, तो साइट पे क्या चैलेंजेस आते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप जो है कि वीडियो देख करके रेक्टिफाई कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ इशूज आपको आ रहे हैं। सबसे पहले जो मैंने मॉडल लिया है वो CP+ का मॉडल है आपका मोबाइल DVR। ये इस तरह का डब्बा में आपके साथ आएगा और ये आपका मॉडल नंबर है, आपको दिख रहे हैं CP-SMR0401S02-PG। ठीक है, ये इसमें फीचर्स क्या क्या है कि ये इसमें GPS भी लगा हुआ है। ठीक है, उसके साथ आपका 4G वाईफाई आएगा। ठीक है, उसके बाद आपका 4 कैमरे इसमें HD लगा सकते हैं और एक कैमरे आप IP कैमरा लगा सकते हैं। इसमें डबल मेमोरी SD कार्ड दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें आप 128 GB के साथ आप SD कार्ड भी लगा सकते हैं। अब SD कार्ड लगाने के लिए इसमें स्लॉट दिया हुआ है, मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद ये फीचर्स इसमें ये भी है आपका कि सिम लगती है जिससे आप ऑनलाइन कर सकते हैं, लाइव ट्रैकिंग वीडियो को आप देख सकते हैं, टू वे कम्युनिकेशन आप कर सकते हैं। ये सारे फीचर्स ये MDVR में है। दूसरी चीज, ये नॉर्मल DVR नहीं है, जैसे आपका वो 4 चैनल का होता है। ये शॉक अब्सॉर्बेंट प्रूफ बनाया गया है स्पेशली फॉर मोबाइल व्हीकल, जो स्कूल्स बसेस होते हैं या फिर ट्रक्स होते हैं, ये जितने भी कमर्शियल व्हीकल हो गए हैं आपके सिटी सर्विलांस के लिए, वो सारे जगह हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमने किया क्या है इसको, ये देखिए इसका, ये आपका मॉडल है आपके सामने। ठीक है, अभी मैंने किया क्या है कि ये पावर केबल है आपका, ये नॉर्मल आपका ये पावर केबल रहेगा इसके साथ। ये आपके साथ बॉक्स के साथ आएंगे। ठीक है, बाकी ये जो दोनों केबल आप देख रहे हैं, ये BNC केबल मैंने ये दी है, ये एक HD कैमरे के लिए और एक IP कैमरे के लिए, ये दोनों आपको सेपरेट परचेज खरीदना पड़ेगा। ठीक है, ये आपके साथ बॉक्स के साथ आएंगे, आपके बॉक्स के साथ ये चाबी रहेगा आपका। ठीक है, उसके साथ आपका ये भी रहेगा आपका, एक ये आपका फ्यूज है। ठीक है, उसके साथ ये आपका GPS एंटीना है और ये आपका सिग्नल्स है। तो सारे ये बॉक्स के साथ में ही आएंगे आपके आएंगे। अब करना क्या है सेटअप के लिए, सबसे पहले ये जो चीजें आप देख रहे हैं इसको आप निकाल करके आप देखेंगे तो इस तरह का बॉक्सेस बना हुआ रहता है, इसको आप निकालेंगे तो ये ऐसा बॉक्सेस बना हुआ है, ये एज इट इज इसमें आप डाल देंगे। ठीक है, इसका उल्टा पुल्टा नहीं हो सकता इसलिए क्योंकि ये आपका फीड होगा तभी जबरदस्ती आप इसमें डालने की कोशिश नहीं करेंगे। आप जबरदस्ती इंसर्ट करेंगे तो हो सकता है इसका अंदर इंटरनल जो पिन है वो ब्रेक हो जाए। ये पिन करने के बाद ये आपका 2 पेजेस आ गए आपके। ठीक है, ये वीडियो केबल का है और ये ऑडियो केबल का है। ठीक है, देखिए वीडियो लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए वीडियो लिखा हुआ है, एक पे आपका ऑडियो भी लिखा हुआ है और ये आपका पावर के लिए है। ठीक है, तो आप इस तरह से आप कर सकते हैं इसको पावर के लिए। आप मैंने कैमरा क्या किया, ये आपका कैमरा है 1.3। ठीक है, तो वीडियो के लिए मैंने क्या किया है कि ये मैंने छोटा सा BNC केबल लिया है आपका और ये BNC केबल अटैच कर दिया है। ठीक है, और ये पावर के लिए आप सेपरेट पावर के लिए आपको पहले देते थे, इसमें पावर यही केबल आपको कैमरे को पावर भी देगा। ठीक है, तो आप वैसे भी पावर आप सेपरेट दे सकते हैं केबल। दूसरी चीज, अब मैं IP की बात करूं तो IP के लिए इसमें एक पोर्ट बना हुआ है आपका, जैसे ये देखिए 4 पोर्ट बना हुआ है, 1, 2, 3 और ये 4, 4 चैनल का ये बना हुआ है और एक एडिशनल पोर्ट दिया हुआ है IP से। ये आपका पोर्ट AV आउट है जिससे आप चाहे तो छोटा सा डिस्प्ले गाड़ी के अंदर वगैरह लगा सकते हैं। ठीक है, ये आपका GPS दिया हुआ है ये पोर्ट, ये आपका एंटीना वाला है जिससे आपका वाईफाई की रेंज पकड़ेगा, वाईफाई या फिर आपका स्विच क्या बोलते हैं उसको, जो सिम्स लगाते हैं उसके लिए ये दिया हुआ है आपका। ठीक है, अब मैं बात करूं इस चाबी से खोलने का, तो स्लॉट कहाँ लगाते हैं आप, तो ये आपका स्लॉट है, ये मैंने खोल दिया। ये चाबी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, ये ऐसा खुलेगा आपका। ठीक है, ये आपका खुलेगा और ये देखिए इसमें सारे बटन दिए हुए, जब आप पावर देंगे ठीक है तो ये ब्लू जलेगा, USB के जब लगाएंगे आप इसमें तो ये लाइट जलेगी, अलार्म भी जल रहा है ये। ठीक है, कुछ कनेक्शन इशूज हो सकता है। उसके बाद ये रिकॉर्डिंग जब इसमें SD कार्ड लगा देंगे तो ये भी बल्ब जल जाएगा, नेट के लिए इंटरनेट के लिए ये बल्ब है और एरर कुछ आएगा तो ये दिखाएगा। अभी ये मैंने खोल रखा है इसलिए एरर दिखा रहा है ये। ठीक है, इसमें आपका सिम लगेगा बीच वाला स्लॉट पर, ऊपर वाला डबल में दोनों में SD कार्ड लगेगा जिसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 128 GB है। इसमें अगर आप चाहते हैं कि ज्यादा आपको चाहिए स्टोरेज तो इसी का एक मॉडल आता है जिसमें आप मैक्सिमम 2 TB तक हार्ड डिस्क लगा सकते हैं आप। तो ये है फीचर्स इसके।
सर एक चीज और बताना चाहूंगा आपको कि मैंने ये गलती से मिस हो गया था, ये इसका साथ एक रिमोट भी आएगा कि आप रिमोटली ऑपरेट भी कर सकते हैं आप इसमें। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कैसे कन्फिगर करना है। वेब अभी ब्राउज़र, मैंने इस पे दो कैमरा ऐड कर रखा है, एक जो आपका एसडी है और एक आपका आईपी है। ठीक है, अब सबसे पहले इसका जो बाय डिफॉल्ट आईपी है वो 192.168.1.100। ठीक है, आप जैसे ही इस पर 192.168.1.100 ये आप जब कीजिएगा तो ऐसा आपके सामने व्यू खुल जाएगा। ठीक है, ये लॉगिन करने का भी पेज खुलेगा। अभी मैं इसे ब्रेक कर देता हूँ, आपको सामने दिखाता हूँ। अब ये देखिए, अभी मैंने क्या किया कि वो 192.168.1.100 डाल दिया आईपी। अब इसका जो यूजर आईडी बाय डिफॉल्ट पासवर्ड होता है वो एडमिन एडमिन होता है। आप इसको लॉगिन कीजिएगा, लॉगिन करने के बाद ऐसा आपके सामने खुल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको कन्फिगर करना है तो सबसे पहले आप ये देखिए, प्लेबैक के लिए ऑप्शन है, ये आपका लाइव व्यू के लिए है, अगर आप कुछ ये आपका लॉक्स है। ठीक है, उसके बाद ये आपका मेंटेनेंस के लिए है, आपका सारा चीज़ ये आईपी केबल है, डिवाइस का मॉड्यूल क्या है आपका, डिवाइस मॉड्यूल में ये जो आप जब इसको ऑनलाइन करेंगे और ठीक है सर, ये आपका क्या है, ये वाईफाई मॉड्यूल है आपका, सिग्नल स्ट्रेंथ, सारा जीपीएस लोकेशन, ये अब जब सिम लगाएंगे तो ये सारा कुछ ये ग्रीन ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, स्टोरेज के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये अगर आप चाहें लोकल तो आप लोकल भी करवा सकते हैं, अदरवाइज जो एसडी कार्ड है आप वहां से भी दे सकते हैं। ये आपका वर्जन डिटेल है सारा आपका, कौन कौन सा है, जाते हैं अपग्रेड करने के लिए तो फर्मवेयर मंगा के आप अपग्रेड भी कर सकते हैं। अब मैं आप आता हूँ कन्फिगर पे, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इसमें। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए व्हीकल नंबर वगैरह आपको डालना होता है। ठीक है, डिवाइस सीरियल नंबर आईडी वगैरह सब आपको फिल करना होता है, ये हम आपको फिल करके सब कुछ बताएंगे जब आप खरीदेंगे। ठीक है, उसके बाद टाइम सेटअप के लिए जाना है, जैसे हम जानते हैं टाइम सेटअप वो आप कर लीजिए, +550 हमारा स्टैंडर्ड टाइम मीटर है। ठीक है, नेटवर्क के लिए आप यहां से जा सकते हैं। ठीक है, वैसे ही एप्लीकेशन ये आपका नेटवर्क आ गया आपका, वाईफाई जाना चाहते हैं तो वाईफाई से भी जाना चाहते हैं वाईफाई कर लीजिए। ठीक है, आईपी सेटअप के लिए मैं बताऊंगा, आईपी सेटअप के लिए करना क्या होगा आपको, जैसे ये मैंने ऐड कर रखा है सिमिलरली, ये जो आप देख रहे हैं सिम्बॉल, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये सर्च करना शुरू करेगा और जो भी कैमरा होगा वो ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे दिखा देगा आपको। ये देखिए आईपी आ गया, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस सिलेक्ट करके ओके कर देना है आपको, और यहाँ पासवर्ड जैसे डालेंगे आप यहाँ पे, इस पे जब आएगा तो पासवर्ड डालेंगे आईपी कैमरा के। ये देखिए मैंने पासवर्ड डाल रखा है, तो ये आपका कैमरा चलने लगेगा यहाँ पर लाइव व्यू में। ठीक है, वैसे जनरल सेटिंग है, एडवांस है, आपका स्नैपशॉट है, आपको ड्राइविंग है, मेंटेनेंस है, ये सारा पैरामीटर आपके सामने फिर कर सकते हैं आप। सारा जो भी फैसिलिटी दिया हुआ है इसमें नॉर्मल डीवीआर से बहुत ज्यादा हाइयर है। आप इसमें चाहते हैं कि कुछ और भी सेटअप करें, आप फेंसिंग करना चाहते हैं, पॉसिबल है इस डीवीआर में। ठीक है, एप्लीकेशन क्या क्या है इसमें, सब सारा कुछ आप चाह सकते हैं। दूसरी चीज ये तो आपकी हो गया आईपी, अब इसको सॉफ्टवेयर जो आपको है उसके लिए आपको दो कंडीशन है, एक तो जो हम ऑनलाइन करेंगे तो उसके लिए आपको मुझे रेट का आइडिया नहीं है, लेकिन हो सकता है 200-500 रुपए आगे पीछे मैं बताऊं, 2500 प्लस टैक्स आई थिंक ये इसका रेट है एक डीबीआर का ऑनलाइन करने का। ठीक है, उसमें आपको यूजर आईडी पासवर्ड मैं बनाकर आपको दूंगा। ठीक है, और सेटअप भी आपको मैं ही करवा के दूंगा। उसके बाद आपको सिस्टम में एक छोटा सा इंटेलियाई ट्रैक नाम का एप्लीकेशन होता है जो आपको सिस्टम में इंस्टॉल कर देंगे और वहां पे सारा कुछ कन्फिगर कर देंगे, जिससे आप टू वे कम्युनिकेशन, उसके बाद आप फेस टू फेस लाइव व्यू, गाड़ी का मॉनिटरिंग कर सकते हैं, जीपीएस ट्रैकिंग कर सकते हैं, तो ये सारा फीचर्स इसमें है, इस माध्यम से आप कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को भी पता लगे, और जो आप कॉल पे बताते हैं दूसरों को वो आपको टाइम सेव हो। थैंक यू।